जी अच्छा, ये ट्रैक मैं अपने दोस्तों को सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो इनके अंदर मैंने डेफिशिएंसी देखी थी, और डेफिशिएंसी देखने के बाद मुझे ये फील हुआ कि दोस्तों के अंदर ये डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। कुछ बातें हैं जो हम स्पेशली हमें हम दोस्तों को जहाँ से हमारी बिलोंगिंग्स हैं हमें सूट नहीं करती। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी काम है दुनिया का जो हो सकता है और जायज़ काम है, और कोई उसके लिए अगर सिर्फ बुलंद हौसला चाहिए तो वो अगर हम कहें कि हमसे नहीं होता तो ये लिटरली हमें सूट नहीं करता, ये वाला जुमला हमें सूट नहीं करता। किसी भी जहाँ से हमारी बिलोंगिंग्स हैं किसी भी इंसान को ये चीज़ सूट नहीं करती कि हाय यार हम मर ना जाएं, कहीं हम कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ये हमारी इंसल्ट है एज ए टीम एज ए कम्यूनिटी हमारी इंसल्ट है। दूसरा ये कि हमारा हमें जो पैगाम मिला है वो पैगाम ये है कि मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ ना करूँगा पसंद कभी, वो छोटे दर्जे पे राज़ी हों और उनकी निगाह रहे नीची। ठीक है, और हमें छोटे दर्जे पे राज़ी होने का हुक्म ही नहीं है, तालीम ही नहीं है हमारी। जहाँ तक कुछ जाता है हमें उससे आगे निकलना है। यहाँ पे जो लोग हैं, और हमने ये वाली बात कई दफ़ा साबित की है कि लोकल्स जो है ना वो हमसे पीछे रह गए, और सिर्फ इस हौसले की वजह से जो तालीम हमें मिली है कि मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ ना करूँगा पसंद कभी, वो छोटे दर्जे पे राज़ी हों और उनकी निगाह रहे नीची। ठीक है, और मैं वाहिद का हूँ, आगे तालीम यह है कि मैं वाहिद का हूँ दिल दादा, और वाहिद मेरा प्यारा है, गर तू भी वाहिद बन जाए तो मेरी आँख का तारा है। हमें वाहिद बनना है, हमें यूनिकनेस लेके आनी है अपने अंदर। इसलिए ये छोटी छोटी परेशानियाँ हर्डल्स ये हमारी पर्सनैलिटी को ग्रो मज़ीद बेहतर करने के लिए ये होती हैं। ठीक है, तो बाकी आप शहर का व्यू देखें आप। थैंक यू।